देखिए गाइस, धनिया की पंजीरी का हलवा कितना प्यारा और कितना टेस्टी लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं, बच्चे तो इनको इसको मांग मांग कर खाएंगे। क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल धनिया की जो पंजीरी होती है वो बच्चे बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, वो भी इसको मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए, और गाइस, ये धनिया की जो पंजीरी बनती है, धनिया का जो हलवा बनता है वो गर्मियों में ज्यादातर बनता है, क्योंकि जो धनिया होती है वो हमारी ठंडी होती है और इम्यूनिटी बूस्टर भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये हलवा कैसे बना है। तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं पंजीरी का हलवा, धनिया पंजीरी का हलवा। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया की पंजीरी की हलवा, धनिया के पंजीरी की हलवा। देखिए, क्योंकि बच्चे होते हैं वो पंजीरी नहीं खाते हैं धनिया का, उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगता। बड़े तो खा लेते हैं प्रसाद के रूप में, बट बच्चे नहीं खाते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा हलवा बनाते हैं। और गाइस देखिए, धनिया वैसे भी इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो चलिए बनाते हैं धनिया पंजीरी का हलवा। ये देखिए गाइस, इंग्रेडिएंट हमने ये 2 से 3 स्पून ले लिया है डेसिकेटेड नारियल, सूजी, आपके पास महीन वाली हो या बड़ी वाली, मोटी वाली हो, कोई भी सूजी हो आप ले सकते हैं। और ये हमारी पंजीरी, ठीक है, जो कि हमने धनिया की बनाई थी। तो चलिए इसको बनाते हैं हलवा। ये देखिए गाइस, हमने घी गरम कर लिया है, 4 से 5 स्पून हमने घी ऐड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम इसमें गरम घी में अपने डालेंगे सूजी और इसको बढ़िया ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, सूजी आपको आप जो घी है इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए सूजी को, तो ऐसे ही डालें, देखिए कि इतना घी है कि ये बंध रहा है आपस में, ठीक है। तो इतना घी डालकर इसको धीमी फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गाइस, चलाते हो चुका है, देखिए आप पास से देख सकते हैं कि इसका दाना दाना बिल्कुल दिख रहा है फूला हुआ, लेकिन हमको इसको ब्राउन होने तक भूनना है, जिससे इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो अच्छे से इसको ब्राउन होने तक भून लेते हैं। ये देखिए गाइस, भून चुका है, आपको दिख रहा होगा ब्राउन भी हो चुका है अच्छे से। तो हमको बस इतना ही भूनना है, और अब इसमें हम थोड़ा सा जो नारियल हमने लिया हुआ था उसको ऐड करेंगे, और उसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे इसी में गरम कढ़ाई में, ठीक है। तो इसे भी इसमें अच्छे से आने लगेगी। और अब इसमें हम अपना ऐड करेंगे धनिया, जो पंजीरी बना के रखी है। इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलायची और किशमिश वगैरह हमने इसमें डाल रखी थी, बादाम किशमिश, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप मिक्स कर लेंगे एक में ही, ठीक है। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और ये देखिए, हाफ कटोरी चीनी, क्योंकि हमने हाफ कटोरी सूजी लिया था, धनिया में हमारे पहले से ही था, शुगर ऐड था। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, ये देख सकते हैं गाइस, 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स सब एक में ही। और जब चीनी हमारी लगभग पिघलने लगेगी तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमारी चीनी लगभग पिघलने लगी है। तो ये देखिए, 1 कटोरी में पानी ऐड किया था, और ये 2 कटोरी पानी, हमने 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है, और इसको अब हम पका लेंगे। ये देखिए, हमारे हलवे में उबाल आ गया है, आने लगा, तो इसको अब हम पका लेंगे, हलवे के रूप में कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो इस तरह से चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। ये देखिए गाइस, कुछ किशमिश और हमने ले ली हैं, और इनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसको भी और अच्छे से पका देंगे। ये देखिए गाइस, बन चुका है हमारा हलवा। तो इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और 5 मिनट के लिए इसको हम ढक कर रख देंगे, जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। ये देखिए गाइस, इस तरह से मैंने ढक कर रख दिया था 5 मिनट के लिए। तो इसको ओपन करके अब सर्व करेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, अब इसकी कटोरी में हम भर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसी बेस के अंदर जिस तरह से भर देंगे ना, और फिर सर्व करेंगे तो थोड़ा सा जो बन जाएगा ना डिजाइन, तो इसीलिए इस तरह से भरेंगे इसमें, ठीक है।
ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया है, अब इसको सर्व करते हैं। और ये देखिए गाइस, इस कटोरी को ऐसे पलट देंगे तो उससे जो हमारा सेप है वो अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, तो चलिए और डिजाइन देते हैं इसको। ये देखिए गाइस, हमने इसको डेकोरेट कर दिया है नारियल के बूरे से और ये किशमिश से। तो हमारी ये आज की रेसिपी तैयार है, धनिया की पंजीरी का हलवा। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।